यदि आपके नीट में 300 मार्क्स से कम है तो आपको क्या करना चाहिए या फिर आपको क्या मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किस कैटेगरी को क्या मिल सकता है या उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की। तो देखिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी 300 मार्क्स से कम है तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है कि लास्ट मॉप राउंड में आपको BHMS या BUMS मिल जाए, लेकिन इस साल उसके भी कम चांसेस हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो बस आपके लिए तीन ऑप्शन है। नंबर वन, या तो आप अबॉर्ड चले जाइए। नंबर टू, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, मिनिमम 15 लाख। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें एडमिशन ले लीजिए, वरना आप थर्ड ऑप्शन है ड्रॉप, आप एक साल का ड्रॉप ले लीजिए और आपका अगले साल पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपके 300 मार्क्स से कम है तो आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर आपको एक साल के लिए ड्रॉप ले लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी वालों की। तो देखिए, आप में और जनरल वालों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि आपको भी 300 मार्क्स पर गवर्नमेंट MBBS नहीं मिलने वाला है। हाँ, बस लास्ट काउंसलिंग में आपको BHMS या BUMS मिलने के चांसेस हैं। इसलिए आप भी अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में लग जाएं और एक साल का ड्रॉप ले लें, आपका नेक्स्ट ईयर पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। एंड लास्ट में बात करते हैं SC ST कैटेगरी वालों की। तो देखिए, यदि आपके 250 मार्क्स से ऊपर हैं तो आपको गवर्नमेंट BAMS, BHMS या BUMS कॉलेज मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट MBBS कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ST वालों को लास्ट राउंड में गवर्नमेंट MBBS मिल सकता है, पर यदि आपके 250 प्लस मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट BAMS या BHMS ही मिल सकता है। एंड यदि आपके 200 मार्क्स से कम हैं तो आपकी भी कंडीशन जनरल OBC वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला है, या तो प्राइवेट कॉलेज ले लो या फिर अबॉर्ड चले जाओ। इसलिए अगर मार्क्स कम है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में लग जाए, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे जैसे कट ऑफ से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और वैसे कुछ और कोर्सेज भी हैं जैसे कि फिशरीज साइंस, लैब टेक्नोलॉजी, जिनका भी काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। उनके लिए मैं आपको वीडियो बना के दे देंगे कि उनमें एडमिशन किस तरह से होता है। थैंक यू वेरी मच।